अगर आप भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अचानक फोन का चार्ज खत्म हो जाए तो आप तुरंत चार्जिंग सॉकेट के पास जाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये सुविधा बंद कर दी जाए तो यात्रियों के साथ क्या होगा? जाहिर तौर पर यात्रियों को परेशानी होगी, रेलवे ने लेकिन ऐसा कर दिया है। हालांकि इसके पीछे का मकसद लोगों को तंग करना नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा को और भी मजबूत करना है। ट्रेन में कई छोटी मोटी आग की घटनाओं की जांच में पाया गया कि इसका मुख्य कारण सॉकेट में शॉर्ट सर्किट था। अक्सर लोग रात को फोन या लैपटॉप चार्ज में लगाकर सो जाते हैं जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा पैदा हो जाता है। रेलवे ने ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन के चार्जिंग सॉकेट के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगा दी है। इसका अनुपालन अच्छे तरीके से हो सके इसके लिए ये सुनिश्चित भी किया जाता है कि रात 11 बजे के बाद सॉकेट को मिलने वाली बिजली की मेन सप्लाई ही बंद कर दी जाए। अब ये भी आपको बता दें कि ये कोई नई शुरुआत नहीं है। रेलवे ने 2021 में ही इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए थे। पश्चिमी रेलवे ने 16 मार्च 2021 को चार्जिंग पोर्ट्स में बिजली की सप्लाई बंद करके इसकी शुरुआत की थी। इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले भी 2014 में ही रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को ऐसा करने का निर्देश दे दिया था। रेलवे ने ट्रेन में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने और धूम्रपान करने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके तहत अपराधी पर 1,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं। यह निर्देश केवल यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि रेलवे कर्मचारियों के लिए भी जारी किया गया है। रेल मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि सुरक्षा रेलवे परिचालन का केंद्र है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नियम बनाए हुए हैं। इनमें से एक नियम ये है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक टिकट चेक करने के लिए टीसी आपको जगा नहीं सकता। हालांकि अगर आप ट्रेन रात के 10 बजे के बाद आपने पकड़ी है तो फिर आपको टिकट दिखानी होगी। इसके अलावा यात्री फर्स्ट एसी में 40 किलो तक जबकि स्लीपर क्लास में 15 किलो तक वजनी सामान लेकर जा सकते हैं। फिलहाल भारतीय रेलवे ने जहां नियमों को सख्त किया है तो वहीं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात ये कि अब जो है चार्जिंग करने के सिस्टम को 11 बजे से लेकर यानी कि रात के 11 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। मतलब कि उसमें बिजली की सप्लाई नहीं होगी तो आप मोबाइल फोन लैपटॉप वगैरह चार्ज कहां से कर पाएंगे। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ट्रेन में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ये और बात है कि ज्यादातर लोग ट्रेनों में सफर के दौरान चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा नहीं होने पर चूंकि 11 से 5 का जो समय है ऐसे समय में ज्यादातर लोग जो है रात में 12-1 बजे तक लैपटॉप या फोन इस्तेमाल करते हैं जिसके दौरान वो सॉकेट में चार्जिंग को लगा देते हैं। लेकिन अब ऐसा ट्रेन में सफर करने के दौरान आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेलवे ने ये सिस्टम खत्म कर दिया है या फिर यूं कह सकते हैं कि 11 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक चार्जिंग सॉकेट के इस्तेमाल पर रोक लगाती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।